କମ୍ପୁଛି ବିଜେପୁର ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଗାଇ ସିଲେକ୍ଟକୁ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପ୍ରଚାରରେ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି आदरणीय अशोक पाणिग्रही जी हम सब जो इस मंच पर विराजित हैं हम सब की ओर से स्नेही बहनों को सम्मानित भाइयों को इस मंच से प्रणाम करती हूं आप सबका वंदन एवं अभिनंदन करती हूं जोहार करती हूं आज बहने वहां छाओं में बैठकर उलू दे रही हैं और हम महिलाएं विशेष रूप से जब किसी बुरी नजर को हटाना चाहे तब हमारे मुंह से उलू निकलता है जिसे आप उड़ीसा में उली कहते हैं और अगर इस चुनाव में वाकई में अपने विधानसभा क्षेत्र से आपको नवीन बाबू की कुनीतियों को हटाना है विकास पर पड़ी बुरी नजर को निकालना है तो 24 तारीख को घर के बाहर आना है कमल का बटन दबाना है और अशोक पाणिग्रही को जिताना है। केवी सिंहदेव जी ने अपने वक्तव्य में एक आक्रोश को व्यक्त किया और कहा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर अनैतिक तौर पर धावा बोला जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज एक एक बूथ पर अटल है कि ये चुनाव प्रश्नों से लिप्त है ये चुनाव न्याय की धारा में बहने वाला चुनाव है यह चुनाव नवीन बाबू से उनके एक एक अत्याचार का जवाब मांगने का चुनाव है। मैं धर्मेंद्र भाई से कह रही थी कि भगवान राम का भी वनवास मात्र 14 साल का रहा उड़ीसा की जनता तो 18 साल से विकास से वनवास झेल रही है। क्या ऐसा संभव है कि 18 साल एक ही राजनीतिक पार्टी का एक छत्र राज हो प्रदेश में और आज भी गांव-गांव पीने के लिए गरीब परिवारों के पास उड़ीसा के नागरिकों के पास स्वच्छ पानी ना हो? क्या यह संभव है कि 18 साल एक छत्र राज हो नवीन बाबू का लेकिन आज भी जब शाम होती है सूरज ढलता है तो नवीन बाबू के घर में तो बिजली होती है लेकिन उड़ीसा के नागरिकों को अंधेरों का सामना करना पड़ता है? क्या यह संभव है कि 18 साल एक छत्र राज होने के बावजूद नवीन बाबू जब अपनी दिनचर्या के लिए बाहर निकलते हैं तो एक जगमगाती हुई गाड़ी में निकलते हैं लेकिन गरीब आज भी धूप में संघर्ष करता है पसीना बहाता है और अपनी मेहनत का फल वो नहीं पाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के सौजन्य से नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से मैं आप सबके मध्य में आई हूं इस विश्वास को आपके प्रति अर्पित करने के लिए कि कमल का फूल आप सब के लिए विकास की लक्ष्मी घर ले आएगा और ये बात हम दंगे की चोट पर इसलिए कह सकते हैं कि एक तरफ अगर आप नवीन बाबू से 18 साल का हिसाब मांगे तो उनके पास आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा और आज विकास रूपी उत्तर स्वयं इस मंच पर बैठे हैं। अपने वक्तव्य की शुरुआत में मैंने कहा कि देश की 3,30,00,000 गरीब बहनों को जीवन दान देने वाले धर्मेंद्र प्रधान आज इस मंच पर बैठे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में हिंदुस्तान की एक अनोखी कहानी बताता है। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने
धर्मेंद्र भाई ने एक सपना देखा कि वो महिला जो अपनी रसोई में दिन भर खटती है, परिवार के लिए दो वक्त की रोटी बनाती है, भात बनाती है, वो महिला खाना पकाते वक्त जब चूल्हा फूंकती है तो चुपचाप अपनी छाती को धुएं से भर लेती है, अपने परिवार को ये नहीं बताती कि उसे कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि खाने के बाद वो अपने परिवार के एक एक व्यक्ति के मुंह पर एक संतोष की हंसी और मुस्कुराहट देखती है। इतने साल तक आजाद भारत में किसी ने इस बात की चिंता नहीं की कि क्या हालत होगी उस माँ की जो धुएं से अपनी छाती को भरती है ताकि उसका बच्चा, उसका पति, उसका परिवार खाना खा सके, और उस माँ को उस धुएं से मुक्त रसोई देने के लिए देश के इतिहास में पहली बार उज्ज्वला योजना का गठन होता है। उज्ज्वला योजना के तहत देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार यह संकल्प लेती है कि 5 करोड़ गरीब बहनों को हम धुएं से रहित रसोई देंगे, स्वच्छ ईंधन देंगे। और आज मैं सार्वजनिक तौर पर इस भूमि पुत्र का उड़ीसा की धरती पर अभिनंदन करती हूं कि भारत की राजनीति में इतिहास रचा धर्मेंद्र प्रधान ने, और मात्र 3 साल में 3 करोड़ 30 लाख गरीब बहनों को सिलेंडर का आशीर्वाद दिया। प्रश्न ये उठता है, एक तरफ ये भूमि पुत्र दिल्ली जाकर देश भर की महिलाओं की सेवा कर पाता है, और दूसरी ओर वो व्यक्ति जो आप सबका वोट 18 साल आप सबके माध्यम से सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, उसके राज में आज भी बहने अपनी रसोई में इस बात को तरसती हैं कि कैसे अपने पति की छोटी सी कमाई को वो पूरा महीने चलाए। इसलिए आज आपसे निवेदन करने आई हूं कि 24 तारीख का चुनाव मात्र अशोक पानीग्रही का चुनाव नहीं है, ये 24 तारीख का चुनाव हर उस महिला का चुनाव है जो आज भी स्वच्छ पानी के लिए तरसती है अपने परिवार में, जो आज भी इस कश्मकश में रहती है कि अपने बच्चे को वो बेहतर शिक्षा कैसे दे, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो बच्चा उड़ीसा की धरती पर अपने लिए कैसे रोजगार पाए। आज मैं एक कृषि प्रधान क्षेत्र में आई हूं, और ये कहते हुए मुझे दुख होता है कि जब कृषि प्रधान क्षेत्र में आई हूं तो किसान भाइयों और बहनों को देखकर मन में एक अजीब सी व्यथा उमड़ती है। केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी ने फसल बीमा योजना की घोषणा की, तबे विकास ठू बहुत दूर रे जदि देखिबा एवं ओडिसा एवं खास करी विजयपुर कथा कहिले कांगडा ये कृषि प्रधान क्षेत्र एवं एटी वनवास कथा मते उठाइथिले जे 18 वर्ष हलानी ओडिसावासी विकास ठारु दूर रे वनवास भोगुचंती। स्मृति ईरानी खूब आज करजिचंती नवीन सरकार को विरोध रे, सेपरे टिके बरपाली मध्ये जिबा, बरपाली रे रीता साहू जे बीजेडी रो प्रार्थी अछंती से निजरो वक्तव्य रखुचंती, सदा सल को नै जाउछु सेटा को। तबे रीता साहू भावविहळ होई निजर वक्तव्य रखिथिले एवं आपण देखुथिले जे खूब कम समय से कहिथिले किंतु भावविहळ होई पडथिले, काहेकिना सुबळ साहू जांकर पत्नी होउछन्ति रीता साहू, दीर्घ तीन थर से विधायक थिले विजयपुर रे।